बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और ये फिल्म मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी बने और बहुत जल्द आप सबके बीच में ये फिल्म देखने को मिले। हाँ जी, ये एक्चुअली फिल्म जो बेस्ड है, जैसे आजकल के यंगस्टर्स होते हैं जो काफ़ी अपनी फैमिली से कुछ कुछ अलग होते हैं, जैसे आज के वक्त में क्या हो गया, रिलेशनशिप का मतलब बहुत ख़त्म हो गया है फैमिली के माहौल में, तो ये फिल्म यही मैसेज देती है कि हम अपने परिवार को लेके कैसे चले और कैसे एकजुट होके रहे। ये है जी, जैसा काजल जी ने कहा, मैं सबसे पहले पूरी टीम को, ये बंधन है प्यार के पूरी टीम को ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, पूरी मीडिया को बहुत सारी मतलब क्या मुबारकबाद, इतनी सारी मीडिया आई हुई है क्योंकि जिसके साथ मीडिया होती है मुझे लगता है वो बहुत जल्दी सक्सेस होता है। तो मैं इस टीम को भी चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म बने, काजल जी जिसमें लीड कर रही हैं, तो मैं इस पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दूँगी। ऐश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? और सबसे पहले तो मैं डीके जी फिल्म को और जो है इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं दिलीप गुप्ता जी और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रभात जी और पूरी टीम को मैं ढेर सारी जो है शुभकामनाएँ, ढेर सारे मुबारकबाद। और बहुत खुशी की बात है कि कभी प्यार के बंधन फिल्म शुरू हो रही है और आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह, जिस मन से, जिस शिद्दत से इस फिल्म की प्लान हुई है कि ये फिल्म बनाएं, तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह बनाएं। टाइटल बहुत प्यारा है ना, बंधन प्यार का, तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका समापन भी अच्छा होता है, तो कोशिश यही रहेगी कि बहुत अच्छी फिल्म बनाया जाए जो हमारे दर्शकों को पसंद है और हम लोग का मेहनत सफल हो। नहीं, ये मेरी दूसरी फिल्म है, इससे पहले हम याली बजरंगबली में साथ काम कर चुके हैं। मैं अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्लीज़ ये फिल्म को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म में जैसे कि टाइटल इतना अच्छा है बंधन प्यार के, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डीप एक मैसेज छुपा हुआ है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और बस इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और हर फिल्म हम कोई भी सिनेमा बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है जो हमारे जीवन से रिलेट ज़रूर करता है, तो प्लीज़ ये फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। काजल जी, बात बॉलीवुड में इस समय मीडिया में कैंपेन चल रहा है जिसमें खलबली मचा के रखते हैं सारे एक्टर्स से आरोप लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल सकती हूँ मैं, मतलब अभी कोई भी चीज़ एक होती है जो वायरल हो जाती है तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं, और बस कहूँगी कि जो भी है चीज़ है वो सामने आए और सच्चाई की जीत हो। सबसे पहले हमारे जो प्रोड्यूसर हैं दिलीप जी हैं, दिलीप गुप्ता जी हैं, थैंक यू सो मच उनको, और डायरेक्टर हमारे हैं प्रभात जी, प्रभात ऊर्जा जी हैं, थैंक यू सो मच प्रभात जी को, और ये सारा लाइनअप किया हुआ है हमारे विनोद यादव जी हैं, उन्होंने लाइनअप किया, सब बहुत अच्छा है, तो हमारे तरफ से हमारा पूरी टीम को। अच्छा, पोस्टर में जैसे दिख रहा है कि दो हीरोइनें हैं आपके आजू बाजू में, यहाँ तो ऐसे एक ही है, दूसरी कहाँ है? जाने वाली है। अच्छा, एक आ गए हीरो, आ गया हीरोइन, तो आई जाएगा। अच्छा, कुछ अपने किरदार के बारे में बताएंगे आप? इसमें दो हीरो है और दो हीरोइन है, एक हीरो हीरो हीरोइन आ चुकी है, दूसरे आने वाले दो पार्टी। हाँ, यही कहना चाहूँगी कि ये बंधन प्यार के बहुत ही खूबसूरत इसका टाइटल है, और इस फिल्म से जुड़े सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और दिल से यही दुआ करूँगी कि ये फिल्म अच्छी तरह से बने और बहुत बड़ी हिट हो, जैसे कि ये फिल्म का टाइटल देख के ही, जैसे पुराना हम लोग नदिया के पार और अच्छी अच्छी फिल्में जो चढ़ाई वो ये सब फिल्में थी, तो इसका जो टाइटल आया तो मैं बहुत खुश हो गई, विनोद जी जब भेजे टाइटल तो मैं उसी वक्त बोल दी कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, क्योंकि अभी जो हम लोगों का यही चर्चा का विषय बना हुआ कि पहले जैसी फिल्में नहीं बनती है, तो इस फिल्म को का टाइटल देख के ही लग रहा है कि अच्छी फिल्म बनने वाली है और हमारे सारे ऑडियंस के सामने बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है, तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सब इस फिल्म को देखें और अपना मान सम्मान प्यार दें। शूटिंग अभी मुझे डेट बताया है 10 तारीख से नेक्स्ट मंथ, और प्लान हमारा यूपी शूट करना है, बाकी देखते हैं यूपी जाते हैं।
यूपी झारखंड बहुत अच्छा है। नहीं, हमारा एक दूसरी फिल्म का है उसके बाद फिर ये है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारी ऐसी फिल्म है कि जिसमें अपने ज़िंदगी में जब पहली गलती होती है और वापस हमारी ज़िंदगी आगे चलती है तो वापस वही गलती होती है, तो उसके बीच में जो कहानी है वही कहानी है, ज़्यादातर फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगी। ये जो फिल्म है इसमें काफ़ी आपको इल्यूजन्स मिलेंगे, आप जब देखोगे तो मतलब आपने इंसेप्शन देखा है मूवी ना, ड्रीम के अंदर ड्रीम, जैसे इंसेप्शन की तरह कहानी है ना, मतलब ड्रीम के अंदर ड्रीम, काफ़ी वैसे इतनी मतलब कॉन्सेप्ट इतना मतलब टाइट है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ, ये मैं ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताया है। मेरा किरदार वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये फिल्म एक ऐसी, जब कम उम्र में लड़के लड़की फ्रेंड्स होते हैं, चिल आउट करते हैं, एक दिन प्लान जैसे बना ले, चिल आउट करने चले रोड ट्रिप, गाड़ी उठाते हैं, रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं, वहाँ चलते चलते वो इतनी दूर पहुँच जाते हैं कि जहाँ उनको पता नहीं चलता वो कहाँ आ चुके हैं, एक जंगल के अंदर वो लोग आके रुक जाते हैं। पूरी कहानी हमारी फुल ऑन वहाँ पर, मस्ती भी है, डर भी है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। अलग अलग जगह रहेगी, जैसे महाबलेश्वर में रहेगा, इंदौर है, जैसे जहाँ डीप जंगल रहेगा, जहाँ रास्ते सुनसान रहेंगे, ऐसी जगह हमने ढूंढी है, वहाँ सब शूट हो जाएगा और जल्द ही उसका पोस्टर तो हमारे फिल्मों के जो आर्टिस्ट है, एक्टर है शारिक भाई, उन्होंने ये पोस्टर डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, ये ज़्यादा बता सकते हैं। ये बताएं पोस्टर के बारे में, थोड़ा तो कोई सिगरेट पीता हुआ तो चली कर अगरबत्ती चल रही है क्या? नहीं सर, कोई सिगरेट नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं है, एक डार्क फेस है, ये एक थॉट है, बाकी ब्लैक जंगल है सर, काली रात है, जो जाएगा फंस जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। अपने ज़िंदगी की कुछ काली रात बताइए सर। मेरी ज़िंदगी की काली रात मत पूछिए, बहुत के जरिए क्या पब्लिक को डराना नहीं सर, मैं खुद जाके खुद डरना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ कैसा लगता है वो डर। वैसे अगर मेरे बारे में पूछोगे तो मैंने 7 मराठी फिल्म बनाई है एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, और एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की है, डायरेक्टर राइटर और प्रोड्यूसर फैशन हाउस, और 7 मराठी की है, 3 शॉर्ट फिल्म की है, और काम तो चलता है अभी, सब हमारा लक्ष्य ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर है, और सबसे अच्छा फिल्म बनाने का कोशिश हम करेंगे। किरदार तो मेरे साथ रहेंगे, इनका सब ट्रेनिंग्स वगैरह सब चालू है, थोड़े दिन में हम कैमरा के साथ मुहूर्त करेंगे। हॉरर, अगर हॉरर फर्स्ट ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, हॉरर की बात करें, आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना, कुछ कारण आसानी से देख जाती है? हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो अभी दुनिया का मार्केट ओपन हो गया है और दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी चल रही है, आप देखते होंगे कि चाइना हो या अमेरिका हो, यूरोप हो, सब जगह हॉरर मूवी की ज़्यादा मांग है, तो हमने सोचा कि पहली फिल्म मैंने जो बनाई थी वो भी फैशन हाउस, वो चाइना में रिलीज़ हो गई थी, तो हमने सोचा कि दूसरी फिल्म भी ऐसी हॉरर बनाएंगे। अभी आप नेटफ्लिक्स में भी देखते होंगे कि ज़्यादातर हॉरर सस्पेंस फिल्में आ रही है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है फिल्में, तो इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं कि और एक फिल्म ऐसा हॉरर बना देंगे। सर, माय नेम इज़ शालवी और मैं इसमें फीमेल लीड फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और मेरा जो कैरेक्टर है लाइक एक कैरेक्टर इसमें मेल जो लीड कैरेक्टर है उसकी लेडी लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर है मेरा, लव इंटरेस्ट। ओके, तो लाइक इस
इसमें मेरा जो कैरेक्टर है काफ़ी उतार चढ़ाव का है. आपको लगेगा पहले एक शेड जा रहा है, उसके बाद एक पल ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है. तो सस्पेंस है वो आपको मूवी देख के पता चलेगा. ओके, तो वो आपको सस्पेंस कंटिन्यू एक के बाद एक पर दर परत आपको देखने को मिलता रहेगा. आपने तो इंटरव्यू दे चुका लेकिन परिचय नहीं दिया था, आपने अपना परिचय दे दिया, क्या कुछ ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं. सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम सेजल ताइडे. एक्चुअली बहुत सारे लीड कैरेक्टर कर चुकी हूँ मैं एज एन वेब सीरीज या एल्बम सॉन्ग या मूवीज़. मैंने मराठी मूवीज़ भी किए बट अब रिलीजिंग पे सब मूवीज़. तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि उसका नाम ही जब ब्लैक फॉरेस्ट है तो बहुत ही जैसे कि हिंदी में काला जंगल, तो बहुत ही सस्पेंस स्टोरी है. उसका नाम ही ब्लैक फॉरेस्ट है तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो स्टोरी क्या हो सकता है, और बहुत ही हॉरर स्टोरी है. तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत सोच समझ के बनाया, आपको देखने में मज़ा आएगा, हमें करने में भी बहुत मज़ा आएगा. ये सारे ब्लैक फॉरेस्ट एक्चुअली हमारी जो फिल्म है हॉरर है, इसमें हम नए चेहरे को उजागर करना चाहते थे. इस वजह से हम लोग मतलब इन लोगों को कास्ट किया. हमारे जो डायरेक्टर हैं मैं भंसोड़े हैं, वो काफ़ी सोच समझ के इन लोगों को कास्ट किया ताकि हम अट्रैक्टिव लुक हम ला सकें और थोड़ी आदमी सर मतलब आदमी लोगों के सामने भी कुछ अच्छा देखने को मिले. और ये एक्चुअली हॉरर तो है ही, प्लस ये देखने में इतनी अच्छी फिल्में मतलब लगेगी दर्शकों के सामने में ताकि दर्शक बोलेंगे हाँ अच्छी मुझे फिल्में मिली. पहले तो क्षमा चाहूँगी कि मैं लेट आई क्योंकि मैं शूट कर रही थी कहीं और, वहाँ से डायरेक्टली भागते भागते आई हूँ. और आप सभी को निधि जी का प्रणाम है, नमस्कार है. और जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेरी नई फिल्म बंधन प्यार के का मुहूर्त है. और हमारे मास्टर जी अयाज जी जो हैंडसम विलन है साथ में बैठे, तो आप इनसे ज़रा पूछे, मैं तो बोलती ही रहती हूँ. देखिए हैंडसम विलन मत बोलिए, हैंडसम एक्टर बोलिए. मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर रहा हूँ आजकल. क्या बात है, देखिए अब ऐसा लगता है नेक्स्ट फिल्म में ये मेरे हीरो बनने वाले हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हीरो बनना है. मैं सोचता हूँ कि मैं जीते जी या मरते में, मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें कि अयाज खान एक अच्छा एक्टर था. क्या बात है, नहीं चाहता हूँ कि मैं आज कोई नेगेटिव नहीं अविलन कर रहा हूँ, हीरो करने का शौक ऐसा कुछ नहीं. मैं सोचता हूँ कि ऐसा एक्टर से याद किया जाए कि अयाज खान यार कमाल का एक्टर था, पॉजिटिव भी करता था बहुत अच्छा करता था, नेगेटिव भी करता था बहुत. अभी एज अ हीरो भी आ रही है बलमा डेविंग बाज आ रही है, उसके गाने भी आ गए हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. जैसे ही ट्रेलर आएगी बलमा बिहार वाले नहीं बलमा डेरिंग बाज आप लोग जरूर देखिएगा. देखिए इनका प्रमोशन भी हो रहा है. यही तो एक माध्यम है और क्या, कि बातों में सब कुछ हो जाता है. अरे आप भी आ जाइए ना मैडम जी. अरे सनी जी आ जाइए ना, क्या ऐसे कैसे आइए बैठिए आपके चेयर लेके जा रही है. हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं निधि जा कुछ ना कुछ नया करने में बिलीव करती हूँ. हर फिल्म में कुछ नई नया किरदार करती हूँ एंड इस फिल्म में भी ऐसे ही कुछ है कि आपको एक्शन तो मैं करता हुआ दिखी हूँ. मेरी नई फिल्म जो अभी अभी रिलीज हुई थी गैंगस्टर दुल्हनिया, पहले तो हम वेलकम करेंगे हमारी सनी सिंह का. वेलकम है सनी सिंह आपका. वेलकम वेलकम, माफ़ कीजिएगा जी. तो गैंगस्टर दुल्हनिया को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसी तरह, लेकिन उससे हट कर इसमें भी आपको मैं एक्शन करता हुआ दिखूंगी और एक अलग ही अवतार में अलग ही लेवल का एक्शन मिलेगा आपको. देखिए अभी मैं अभी आपको बता दूंगी, इनसे हो सकता है, उनसे हो सकता है, मास्टर जी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है प्यार. देखिए प्यार एक ऐसा शब्द है जो किसी से भी हो सकता है. देखिए प्यार बहुत ही प्यारा सा शब्द है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है. सो यस सरप्राइज है, ये सरप्राइज मैं अभी नहीं आप सबको बताऊंगी, ये जब भी फिल्म आएगी जब भी ट्रेलर आएगा आप सबको देखना पड़ेगा. और कुछ नया करने जा रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है निजी जीवन में आप कहा जाए तो मेरी बहुत सारी फिल्में जो है फ्लोट पे है. मैं अब मैं रियल लाइफ की ही बात करती हूँ, रियल लाइफ में
में कुछ ऐसा नहीं है बिकॉज रियल लाइफ में ही बिजी हूँ. आने वाली फिल्मों में बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे मैं नागिन तू सपेरा या अली बजरंग बली, मेरी नेक्स्ट फिल्म जो जा रही है दिलबर, उसके बाद मैं यही फिल्म करेंगे नेक्स्ट और हम भी साथ में जी बिल्कुल फिल्म कर रहे हैं. बताइए फिल्म का नाम बताइए. प्यार का बंधन. प्यार के बंधन. तो हाँ ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, लाइनअप है, वो मैं बैक टू बैक जैसे ही आते रहेगा मैं आप सबको बताते रहूँगी. सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूँगी और इस फिल्म से मैं अभी अभी जुड़ी हूँ तो ज़्यादा नहीं मालूम है, बट जो भी है मेरा कैरेक्टर बहुत ही सरप्राइज है, वो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी. बट आई फील हैप्पी कि मैं इस नई टीम के साथ जुड़ी हूँ. निधि जी के साथ मेरी ये पहली फिल्म है. चेक का इशू नहीं है, बिना चेक के भी काम कर सकते हैं. बिल्कुल काम अच्छा होना चाहिए. यस काम अच्छा होना चाहिए. हाँ मेरा फर्स्ट फिल्म है निधि जी के साथ. तो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग हैप्पी कि आई एम गोइंग टू वर्क विद निधि जी. और अयाज जी के साथ ये मेरी सेकेंड फिल्म है. मास्टर जी के साथ मेरी ये फर्स्ट फिल्म है. इसके पहले भी हमने एक फिल्म की थी बट उसमें मेरे सॉन्ग्स नहीं थे जिसकी वजह से हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए. तो मुझे आज दो लोग नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. सबको नमस्कार, मेरे तरफ से शुभकामनाएं. आज मैं स्पेशल खाली जीतू के लिए आया हूँ. जीतू सोनी अपकमिंग स्टार आ रहा है, इसको आशीर्वाद देने आया हूँ. मेरे को पता ही नहीं था आज मुहूर्त है, मेरे स्पेशल बोला पप्पू जी आपको आना है, तो मैं इसको आशीर्वाद देने आया हूँ. और यहाँ आने के बाद सब अपने बच्चे मिले, निधि मिल गई, अयाज मिल गया, सारे लोग, पूरी फैमिली मिल गई. मैं बोला चलो सबको आशीर्वाद दे दूँ. देखो ये पिक्चर बंधन प्यार का अच्छी मतलब रोमांटिक पिक्चर होएगी, गाने वाने अच्छे होएंगे, अभी आएंगे गाने सुनेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे कैसे करना है क्या करना है, यही है बस. शुभकामना मेरी इन लोग डायरेक्टर, नया डायरेक्टर, जितने आर्टिस्ट हैं उनको मेरी शुभकामना. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ये प्रभात जी इधर है. प्रभात जी आइए. फिल्म बहुत ही अच्छा है और फैमिली ड्रामा है और एक भाई बहन की कहानी है. और मैं तो पहली बार भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ. बेसिकली मैं उड़ीसा में हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, तो मैं उड़ीसा का हूँ और पहली बार मेरा भोजपुरी फिल्म है. मान देख मैं चाहता हूँ ये फिल्म बहुत ही अच्छा हुआ और भोजपुरी फिल्म जैसे मैं देखता हूँ पहले का जितना जो भी फिल्म आप लोग बनाते आ रहे हो बहुत ज़्यादा. हम लोग कोई लोग बोलता है ना भोजपुरी फिल्म यार इतना ख़राब बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा फिल्म बनाने की. और मेरा साथ भी निधि जी दे रहे हैं और आयज भाई दे रहे हैं और जीतू हमारा लंच हो रहा है फिल्म में. मैं चाहता हूँ अच्छा फिल्म बने.